हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पानी पूरी की चटनी। पानी पूरी की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, लेमन, जिंजर, ग्रीन चिली, गुड़ या फिर आप खजूर भी ले सकते हैं, संचर, सॉल्ट और पीनट ऐसे भी ले सकते हैं और क्रश भी ले सकते हैं। हमने क्रश लिए हैं। अब कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स को दो बार धो के छलनी में छान के और फिर लेंगे। अब जिंजर को छील के और पीसेस करके लेंगे, ग्रीन चिली को भी पीसेस करके लेंगे, लेमन का जूस निकाल लेंगे और गुड़ को हम बड़े से भगोने में पहले डाल देंगे और ऊपर से छलनी रख देंगे। अब मिक्सर जार लेंगे, उसमें जिंजर के पीसेस डालेंगे और ग्रीन चिली के भी पीसेस डालेंगे। अब सॉल्ट डाल देंगे, हमने इसमें जितना सॉल्ट लिया है, नमक लिया है वो काफ़ी है और संचर भी हमने जितना लिया है वो काफ़ी है, अगर आप अपने टेस्ट मुताबिक लें। और पीनट का हमने क्रश लिया है, आप पीनट भी ले सकते हैं और लेमन जूस इसमें डाल देना है। और अब कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे और पीसते जाएंगे। और बड़े से भगोने में हमने छन्नी रखी है, गुड़ पहले ही डाल दिया है भगोने में और छानते जाएंगे। 5-6 बार हम ऐसा करेंगे, आधा लीटर पानी डालेंगे और पीसेंगे और फिर छन्नी में छान लेंगे। ऐसा करके चटनी बनाएंगे, पूरा जूस निकाल लेंगे। फिर से हम जार में डालेंगे छान के और फिर से इसमें पानी डालेंगे और छान लेंगे। और गुड़ उसमें पहले हमने डाल दिया है, वो अपने आप पिघल जाएगा। आप मिक्सर जार में भी डाल सकते हैं गुड़, और खजूर लें तो भी बेस्ट रहेगा क्योंकि खजूर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने गुड़ डाला है। ये चटनी आप सर्दी बुखार तब भी खा सकते हैं, बहुत बेस्ट है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है, हेल्दी एंड टेस्टी है। पानी इसमें फुल ठंडा लेना है। ये हमारी चटनी फ्रीज़र में आप स्टोर कर सकते हैं और 15 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, टेस्ट वही रहता है। फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है इसलिए ये ख़राब नहीं होती, और आप जब भी यूज़ करें तब 3-4 घंटे पहले फ्रीज़र में से निकाल लें और बर्फ़ पिघल जाए उसके बाद यूज़ कर सकते हैं।